हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज वाली रीडिंग है 20 सितंबर के लिए। तो सबसे पहले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 20 सितंबर को। तो चलते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी 20 सितंबर की। दो कार्ड है मेरे पास, यहाँ पे है एक फेरी ओरेकल कार्ड से है एनवायरमेंट अवेयरनेस, द हर्मिट। पहले एनवायरनमेंट अवेयरनेस से वो कर लेते हैं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ना आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसी एनर्जी है आपने अट्रैक्ट कर ली, जिस वजह से जो है ना आप थोड़ा सा शायद अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। ये आपकी जो है ना इंट्यूशन, डेफिनेटली ये पर्पल कलर जो दिखा रहा है यहाँ पर इंट्यूशन है आपकी बताने की कोशिश कर रही है। आपको जस्ट सिर्फ अवेयर होना है अगर आपके अराउंड कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको कुछ एंजाइटी या आप नर्वस फील कर रहे हैं या डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हो सकता है कि मेनली ये आपकी एनर्जी ना हो, बिकॉज इट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको कोड कटिंग करनी चाहिए। कितनी बार वो डेली रीडिंग्स में भी आता है, कोड कटिंग फ्रिक्वेंसी देख सकते हो अब आप यूट्यूब पर, वो आपको हेल्पफुल होगी अगर आपको मेडिटेशन नहीं करनी है। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी ऐसा लो फील कर रहे हो अपने आप में, फिजिकली मेंटली इमोशनली कुछ ऐसी फील कर रहे हो जो आपको लग रहा है ये आपकी एनर्जी नहीं है, सो एनवायरमेंट में से आप किसी की पिक कर रहे हो, तो प्लीज़ कोड कटिंग वाली आपको अवेयर होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर आप कुछ उसके बारे में कर सकते हो। द हर्मिट यहाँ पे है कि आप कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो या बहुत सारे सवाल हैं जो आपको अपनी सोल के, अपनी आत्मा के लिए हैं। अगर आप सोल जर्नी पर हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस की ना अपने अंदर, अपने अंतर आत्मा में जाकर जो है आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। जिस वजह से जो है आपकी बड़ी काम ब्यूटीफुल एनर्जी बनी हुई है। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के भगवान को खोजने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप होता है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ना, उसको खोजना, उसके ऊपर वर्क करना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेल्थ की तरफ। हेल्थ में है सिक्स ऑफ कप का कार्ड। कोई भी बिग गिफ्ट हो सकता है, ये हीलिंग का गिफ्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी का गिफ्ट हो सकता है और एनीथिंग जो आपको हेल्प आउट करे आपको कुछ ऐसी हेल्थ इश्यू में से बाहर निकालने के लिए, जिस वजह से जो ना आपका पूरा मूड एकदम से चेंज हो जाए। यानी कि कोई सरप्राइज किसी तरह का कोई अगर आपको जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कहीं से आना या किसी की तरफ से आना, तो एकदम से आपको वो आ गया, जिस वजह से जो आपकी कोई डाउन एनर्जी या लो फील कर रहे हो उस वजह से एकदम से आपका मूड चेंज हो गया। उस मूड चेंज की वजह से आपकी जो है हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरह का कुछ आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है। ये बहुत बिग भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है हेल्थ के लिए। तो कुछ ना कुछ जो है भगवान आपकी तरफ जो भेज रहा है, शायद ये आप डिजर्व करते हो इसलिए आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं करियर में। करियर में है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि कुछ सेलिब्रेशन है, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है आपको या कुछ ऐसा हो गया है, कुछ सक्सेस मिली है आपको, क्योंकि एक दो दिन पहले जो है बिग चेंजेस का कार्ड था, उससे पहले अपॉर्चुनिटी का कार्ड था। तो कुछ पॉजिटिव कार्ड्स एवरी डे में होते हैं, जिस वजह से कई बार ये कुछ बिग चेंज कर देते हैं हमारी लाइफ में, जिस वजह से मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेबल फील कर रहे हो। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वजह से जो है ना हम लाइफ की काफ़ी चीज़ें जो है मुस्कुरा के एक्सेप्ट करते हैं और झेल पाते हैं अगर आप स्टेबल फील करते हो। तो कुछ तरह किस तरह की सक्सेस, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, मैरिज भी हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकती है मैरिज के लिए आपकी तरफ आ रही है, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा सेलिब्रेशन आप कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लव की तरफ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
ये थोड़ी इम्पेशेंस एनर्जी होती है, डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए, आपका पार्टनर हो सकता है या कोई भी आपका घर का फैमिली मेंबर हो सकता है आपसे बात करने के लिए, या फ्रेंड भी हो सकता है। ये कोई भी लव वाले में ज़रूरी नहीं होता कि पार्टनर ही आपके पास आए किसी इंट्रैक्शन के लिए, ये कोई भी जो आपके करीबी होते हैं, लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपके खुद के फैमिली ब्रदर सिस्टर मदर फादर होते हैं, कोई भी जो है ना आपकी तरफ जो है कम्युनिकेशन के लिए बढ़ रहा है, आ रहा है आज के दिन में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी के लिए है मेरे पास एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि आप ना जो स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं मेंटली स्टक हैं, फिजिकली स्टक नहीं है। आप देखो तो यहाँ पे ओपन स्पेस पड़ा है इस गर्ल के सामने, वहाँ से आप वो निकल सकती है, लेकिन वो खुद को ही उसने मेंटली स्टक किया हुआ है। स्वॉर्ड्स जो है अपनी थॉट्स के साथ, अपनी नेगेटिव थॉट्स के साथ स्टक, ओ मेरे से नहीं होगा, ये कहीं नहीं पहुँचेगा, ये कैसे करना है, कब होगा, तो इस तरह की काफ़ी कुछ जो है ना मेंटली स्टक किया हुआ है। जब हम लोग अपने आप को किसी डिफरेंट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स के साथ सोचते रहते हैं तो हमारा क्राउन चक्रा जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ना जो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा या बाकी सारे भी चक्रा जो हैं ओपन होने, क्लेंज होने डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आपका जो है ना कनेक्शन भगवान के साथ बना रहे। स्पेशली जो थर्ड आई और क्राउन चक्रा से आपको गाइडेंस मिलती है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कुछ ऐसी दूसरी थॉट्स लेके आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो अपने क्राउन चक्रा को, उससे जो है आपकी जो डिवाइन गाइडेंस आती है आपको कि आपको ये करना है, अब ये करना है अपनी लाइफ में, उस वजह से जो है आपको मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने क्लियर करो हेड को, क्राउन चक्रा को क्लियरिंग करो। फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हो वहाँ पर यूट्यूब पर। तो डेफिनेटली जो है आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में यहाँ पे डूबे हुए हैं, जिस वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं कि कहीं भी मेरी स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो आज आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। टेन ऑफ पेंटिकल्स की नजर अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट ब्यूटीफुल एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, पर यहाँ पे अवॉइड में आई है। इट मींस आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो टू मच अबंडेंस के लिए, मनी के लिए, इनसिक्योर फील कर रहे हो वर्क के लिए। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आपको रूट चक्र पे काम करना चाहिए, यहाँ पे ग्राउंड करना चाहिए अपने आप को। ग्राउंडिंग एनर्जी यहाँ पे मेरे को कम लग रही है, जिस वजह से जो है ना आप इनसिक्योर फील कर रहे हो अपनी अबंडेंस को। जॉब के लिए हो सकती है आपकी इश्यूज़ जो हैं, कुछ भी ऐसा, अगर आपका रूट चक्र जो है बैलेंस होगा ना, उस वजह से जो आपको ना आप फेथ ज़्यादा कर पाओगे, भगवान के ऊपर फेथ रख पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी। लेकिन जब हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन भी जो है ना आपकी पावर जो है वो कम हो जाती है, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप रिजिस्ट कर रहे हो, आप फेथ नहीं कर रहे हो भगवान पे, बार 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 सारा दिन सोचे जा रहे हो। हो सकता है ये भी वही एनर्जी है कि आप जो है इनसिक्योर फील कर रहे हो इस अबंडेंस की वजह से। जो ये अबंडेंस अभी नहीं आ रही है, अगर फ्लो नहीं बना हुआ है, वो जो है आपको मेंटली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। तो ये थी आज वाली रीडिंग। अगर आपका एंजल से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपको एंजल कार्ड रिवील करने वाली हूँ। तो ये है इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी आपका क्वेश्चन था कि ये कब होगा, तो ये नियर फ्यूचर में आपको सून जो है खबर में आने वाली है। मैं भूल गई आज एंजल या गणेशा के डेक में से कार्ड पुल करना, तो मैं ये यहाँ पे हिडन ट्रुथ पड़े हुए हैं वो निकाल लेते हैं हम। सो लेट्स सी। असर्टिवनेस इज नॉट ए डर्टी वर्ड, यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। अगेन ये ग्राउंडिंग करने वाला जो है ना वो बात अगेन। असर्टिवनेस यानी कि ट्रू सेल्फ अपनी दिखाना, उसको फॉलो करना कोई डर्टी बात नहीं है, ठीक है ना। अपने ही बिलीफ के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने रूल्स पे, अपने असूलों पर चलना, इसमें कोई बात गलत नहीं है। सिर्फ आपको जो है फर्मली उसके ऊपर खड़ा रहना है। यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। द वर्ड डिफिकल्टी वॉन्ट्स टू एक्सपोज इट्स ट्रू
identity that in a straight line to a wonderful divine gift. यानी कि डिफ़िकल्टी जो है ना उसकी भी जो है ना एक्सपोज हो गया, उसकी ट्रू आइडेंटिटी भी यही है जो कि एक वंडरफुल, एक स्ट्रेट लाइन टू ए वंडरफुल डिवाइन गिफ्ट, अगेन डिवाइन गिफ्ट, ये भी एक डिवाइन गिफ्ट वाला कार्ड है जो यहाँ पे सिक्स ऑफ कप वाला कार्ड है यहाँ पर. तो डेफिनेटली कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है दुनिया में, इसलिए इतनी चिंता करने की, यानी कि इतना सोचने की एट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी या टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे अवॉइड करना है, जो वो इतना ज़्यादा हम लोगों को इनसिक्योर होना और सोचना किसी बात के लिए, ठीक है, वो इतनी ज़रूरत है नहीं यहाँ पर. क्योंकि जो है फेथ, आपका फेथ और आपके असूल जो है ना भगवान के ऊपर, आपका फेथ आपको ज़रूर जो है सफलता के ऊंचाइयों पर पहुँचाएगा. तो ये थी 20 सितंबर की रीडिंग. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग ये कैसे लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और जो भी स्टूडेंट्स बिगिनर कोर्स लेना चाहते हैं मेरे साथ टैरो रीडिंग के लिए, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाय फॉर नाउ.